अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सांसद ने 8 अक्टूबर 2024 को अंडमान बंद का आह्वान किया है, जिसमें द्वीपों की लंबित मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। हालांकि कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआईएम जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस बंद से दूरी बना ली है, लेकिन अंडमान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कुछ अन्य प्रमुख संगठनों ने खुले तौर पर इस बंद का समर्थन किया है। इस बीच दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2 आवश्यक आदेश जारी किए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सांसद इस बंद को सफल बनाने के लिए कितना जन समर्थन जुटा पाते हैं। हम लोगों को माननीय सांसद विष्णु प्रताप राय जी का एक रिक्वेस्ट प्राप्त हुआ है और आज सुबह हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई और हमारा सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ कि माननीय संसद ने जिन मुद्दों के ऊपर कल 8 तारीख को बंद का आह्वान किया है, वो सारे मुद्दे हमारे अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बहुत दिनों से पेंडिंग है और इसी संदर्भ में अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी गत वर्ष अप्रैल में 2023 में एक दिवसीय बंद का आयोजन किया था और इस बार ये आंशिक बंद है, 2 बजे तक का, 6 बजे से 2 बजे तक का, और ये एक सिंबॉलिक बंद है जिसमें कि विभिन्न मुद्दे हैं जो कि माने जन साधारण यहाँ के जो आइलैंडर्स हैं, यूथ हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, सबके साथ ये बात लागू होती है और हम इसलिए माननीय सांसद के जो रिक्वेस्ट है उसका हम समर्थन करते हैं और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं और हमारे जितने भी एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स हैं उन सब के साथ हमने ये निर्णय लिया है कि कल हम इस आंशिक बंद में हम सहयोग देंगे पूरी तरह से। और एक बात और भी थी, ये आंशिक सहयोग का भी हमने स्वागत किया है क्योंकि अभी एक फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो जो पूजा की दुर्गा पूजा के समय है तो जिससे कि शॉपर्स को, दुकानदारों को, कम्यूटर्स को और डिवोटीज को कोई तरह का भी तकलीफ नहीं हो, तो साधारणतया लोग 10 बजे से निकलते हैं तो पोस्ट लंच होने के कारण ऐसा हमारा मानना है कि ये ज्यादा लोगों को इफेक्ट नहीं करेगा और चूंकि माननीय सांसद ने एक अपनी तरफ से 8 तारीख को करने का निर्णय ले लिया था इसलिए हम उस दिन के उनके इस निर्णय को समर्थन करते हैं और हमारे सारे जो मेंबर्स हैं और हमारी जो संगठन हमारे साथ काम करते हैं वो कैंपल बे से डिगलीपुर तक सब जगह और माने श्री विजयपुरम में भी हम इस बंद का पूर्णतः हम इसके साथ हैं। कई दिनों से हम प्रशासन से और प्रशासन के थ्रू केंद्रीय सरकार से हमारा ये अनुरोध रहा है कि ये दूरदराज देश है, द्वीप हैं और जिस अनुपात में केंद्रीय सरकार मोदी गवर्नमेंट बाकी देश के विभिन्न हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे बाकी चीजें हो, सबका बहुत तेजी से विकास कर रही है, चाहे आइलैंडर यूथ के लिए स्टार्टअप हो और अन्य जो जिनसे उनको नौकरी या बाकी चीजें ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराई जाए, तो इन दूर दराज द्वीपों में हमारे पास कुछ ही चीजें हैं जिससे कि हम इस केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जो हमारी ग्रोथ यात्रा है उसमें हम हिस्सा लेके हैं। वो मेन तो टूरिज्म है, उसके बाद फिशरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और बाकी और भी जो क्षेत्र लाइक एविएशन और बाकी जो आ रहे हैं, इन सब के विकास के लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका कि हम कई बार वर्णन कर चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, पॉलिटिकल चैनल से और केंद्र सरकार से। तो यही हम जनता के लोगों से भी, क्योंकि हम भी उन्हीं के बीच बैठते हैं तो उनके बीच भी हमको यही इन्हीं मुद्दों पर बेसिकली फीडबैक मिलता है,
ये हमारे लिए, हम ये समझते हैं कि इन चीजों का जल्द जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए, जिससे कि यहाँ के आइलैंडर्स को, यहाँ के यूथ को, यहाँ के बिजनेसमैन को और अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सके। कल हमारे माननीय संसद एक अंडमान बंद का ऐलान किया है। इस ऐलान में हमारे जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय जनता यूनियन पूर्ण रूप से उनको सपोर्ट करता हूँ। और कल हमारे राष्ट्रीय जनता यूनियन का कोई भी गाड़ी कल सड़क पर चलाएगा नहीं, ताकि ये मुद्दा आपको भी मालूम है ये किसके लिए हमारे एमपी साहब सड़क पर आता है। हमारे अंडमान के जितने 5 लाख पॉपुलेशन पसंद करके चुया वाला हमारे एमबी को हमारे राज्यवास में एटी साहब मिलने नहीं देता, ये बड़ा शर्म की बात है। इस बात को लेकर हमारे एमबी साहब ने जो ऐलान किया है, ऐलान में हमारे सभी ऑटो चालक करके नहीं है, कल का जो स्ट्राइक में हम लोग पर्सनली बात किया, बस यूनियन, ट्रक यूनियन, ट्रैवल्स यूनियन, और अभी जो लेटेस्ट में हमारे सब ड्राइविंग स्कूल एसोसिएशन और जितने भी कॉमर्शियल गाड़ी है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो गेम डीलर एसोसिएशन सदा सारा एसोसिएशन से हमारा बातचीत हो गया, सब एक साथ जो है कल हमारे विष्णु जी को सपोर्ट करके सड़क पर आए। तब कि आप सभी को मालूम होगा विष्णु जी जो अपना लेटर पेड में जो मुद्दा दिया, इस मुद्दे पर आप एक एक मुद्दा उठा कर रखो, ये सिर्फ हमारे विष्णु जी का मुद्दा नहीं है, ये हमारा सभी आइलैंड निवासियों का मुद्दा है। सड़क हम लोग के लिए ना के बराबर है, बिजली हम लोग के लिए ना के बराबर है, सड़क बिजली पानी और हेल्थ का जो प्रॉब्लम है, ये सब जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये सारा भारतवर्ष में सबको ये चीज अवेलेबल है, लेकिन हमारे अंडमान निवासियों के लिए ये सब लिमिटेड प्रोसेशन में करके रखे। ये बड़ा शर्म की बात ये है, हमारा एलजी साहब भी अभी आके कम से कम 9 साल होता है, 9 साल के अंदर अगर एलजी साहब अगर सीधा सीधा आदमी था, अगर अंडमान निवासियों के लिए काम करता तो आज हमारे एमपी साहब इस तरफ ये ऐलान नहीं करता। अगर एलजी साहब सही तरीके से काम करेगा, सड़क को दिला सकता था, सड़क का काम करा सकता था, अगर पानी डेली दिला सकता था और बिजली, अब देखा होगा कितना देर से हमारा ये समस्या के ऊपर हमारी समस्या बढ़ता है, लेकिन उसको हल करने के लिए कोई उतरता नहीं। आज ये सबसे बड़ा बात ये है, रूलिंग पार्टी का एमपी, भारतवर्ष में कोई भी एमपी इतना हिम्मत नहीं दिखाएगा अपना जनता के लिए सड़क पर आए, ताकि उनके ही प्राइम मिनिस्टर है, उनके ही होम मिनिस्टर है, उनके ही लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके ही सीएस है, लेकिन ये सब जो है हमारे दीप के लिए काम नहीं करता बोल के हमारे विष्णु जी एक ऐसा ये दिखा के, अगर उसको भी अगर अपना पर्सनल काम रहता है यही ऑफिसर के साथ मस्कर चल को भी 5 साल चला देते, लेकिन वो अभी आया अंडमान के दीपवासियों के लिए सड़क पर आया। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आप सभी दीपवासियों से भी ये निवेदन है, आप लोग भी कल के जो मैटर में इसमें कोई तरफ का पापभेद ना करें, आप लोग ना पार्टी देख के ना कुछ ये देख के कुछ भी नहीं देखते हुए हम ये निर्णय किया कल हमारे देश का फ्लैग लेकर हम लोग इसमें शामिल होगा, हमारे पास एक ही फ्लैग रहेगा, नेशनल फ्लैग हमारे हाथ में रहेगा, नेशनल फ्लैग रखते हुए हम लोग इस प्रोग्राम में कल शामिल होगा, शामिल लोग उसको विजय बनाने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कि सुना है कि एमपी साहब ने जब बोला हम लोग मुद्दा के बारे में बात करने के लिए, तो हम लोग का ड्राइविंग स्कूल भी इसमें हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे हम लोग सपोर्ट में है सारा मुद्दा को लेके, जो संतोष भैया सब कुछ बता दिया आपने, जो भी है साथ में सब साथ देंगे। पोर्ट ब्लेयर में जिस तरह फ्राइडे का दिन दादाजी 11:30 बजे एलजी बंगला का सामने पहुंचा और 3.5 घंटा जिस तरह बारिश में अपना संघर्ष किया, उनको पैसा का कोई लालची नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि पोर्ट ब्लेयर का जनता जो है आज रोड, पानी, बिजली, मेडिकल सुविधा और जितना डिपार्टमेंट जैसे PBMC सूखा गीला का नाम में परेशान हो चुका है। जिस तरह 3.5 घंटा एलजी बंगला का सामने पानी में बिकते हुए एक बुजुर्ग का अंडमान प्रशासन जिस तरह बेइज्जती जैसा हो गया, लेकिन उनके लिए सोचने अंडमान प्रशासन का कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी पे नहीं था, ना वहाँ पे डीसी साहब जिम्मेदारी पे था, नहीं वहाँ पे जो CS मैडम थी जो जिम्मेदारी पे था, नहीं जो अबड़िंग थाना SHO विशाल राम उसने कहा कि LG बंगला का सामने से या गांधी पार्क का वहाँ से जाने से 144 है, लेकिन मैं आज रहा मैं सिंगल आदमी कौन सा कानून में बताइए आप। हमारा मोबाइल छीना गया, जबरदस्ती मुझे PCR गाड़ी में बैठाया गया और थाना में मेरे को 8 से 9 घंटा बैठाया गया। हमारा जो MP साहब दादाजी 3.5 घंटा संघर्ष करने के बाद फिर 2 घंटा हमारे लिए
अबड़िंग स्टेशन पे आया कि मुझसे मिलने और मुझे आजाद कराने के लिए, जो दादाजी जो कल संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए हमारा जितना भी लोग, जो ऑटो से हो, ट्रक से हो, बस से हो, पिकअप स्टैंड हो, ऑटो वाले हैं, जितने भी हमारे लोग अंडमान निकोबार में जो हमारा वॉइस रिकॉर्ड सुन रहा है, वो कल दादाजी का फुल सपोर्ट के साथ करेंगे। हमारा दादाजी ने कहा है कि 7 बजे गांधी स्टैचू का सामने आना है और हम लोग ऑटो यूनियन द्वारा जितने भी एसोसिएशन है टोटल अंडमान निकोबार का फुल सपोर्ट के साथ दादाजी का साथ संघर्ष करेंगे। हम लोग दादा के लिए सपोर्ट करेंगे। हम लोग यूनियन का तरफ से गाड़ी हम लोग कल बंद करते हैं और हम लोग दादा का यहाँ का एलजी को भगाने के लिए हम लोग भी साथ देंगे, दादा का भी साथ देंगे और अंडमान का लोकल आइलैंडर का भी दादा ही काम करेगा। दादा ही उतरेगा तो काम बनेगा स्टेज का भी। अभी यहाँ का परमिट का भी रुका के रखा है, उसका भी बात करने के लिए हम लोग दादा ही चाहिए, दूसरे से काम नहीं बनता है। इसके लिए हम लोग अपना ऑटो स्टैंड के लिए और हम लोग ऑटो यूनियन की तरफ से हम लोग प्रेसिडेंट मैं बोलता हूँ और हम लोग ऑटो भी तैयार है बंद करने के लिए, हम लोग बंद करेंगे। शाम के समय सांसद को पोर्ट ब्लेयर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते और बंद के समर्थन के लिए हितधारकों से बात करते हुए देखा गया। बंद रखो, बजे पूरा जुलूस होगा, यहाँ में जाएगा, फिर आदमी पास जाएगा, एलजी सब मेमोरेंडम लेगा, करेगा, फिर आएगा। इसी काम के लिए आपको आया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय परमा के गुजर।